नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन ते तुहाडा स्वागत है। आओ नजर पाउने आ पंजाब सूबे समेत देश दुनिया दीआं वड्डीआं खबरां ते। दुनिया च न्यूजीलैंड ते तंजानिया समेत कई देशों ने कोविड 19 ते कीती फतेह हासिल। विश्व भर च कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा होया 72 लाख दे पार, 4.11 लाख लोगों की हुण तक हो चुकी है इस तों मौत। भारत च कोरोना संक्रमितों की गिनती 3.25 लाख दे पार, 7745 लोगों की हो चुकी है मौत। दुरमुख विधायक जे अनबाजगण की कोरोना वायरस न हुई मौत। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के विच राजस्थान सरकार ने फिर की एक हफ्ते लिए सीमा सील। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी के PRO की कोरोना वायरस न हुई मौत। हरियाणा च कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 5000 के पार, हुण तक प्रदेश 45 लोगों की हो चुकी है मौत। पंजाब च कोरोना पॉजिटिव मरीजों की गिनती हुई 2719, हुण तक 55 लोगों ने गवाई जान। चंडीगढ़ च पॉजिटिव मरीजों की गिनती हुई 1240, ठीक हुई 386, हुण तक 6 लोगों की हुई है मौत। ऐसे तहत राजस्थान च कोरोना पीड़ितों की गिनती हुई 11245 ते 245 लोगों की हो चुकी है मौत। पंजाब बीज घोटाले च वड्डा खुलासा, कांग्रेस मगरों अकाली दल दे भी जुड़े नेता। पंजाब च किसानां लई कैप्टन वल्लों वड्डा ऐलान, झोने दे सीजन लई 8 घंटे बिजली रहेगी जारी। प्रशांत किशोर दे झटके मगरों कैप्टन अमरिंदर सिंह दे बदले तेवर, हुण खुद ही संभाली कमान, सिद्धू बारे होई चर्चा। आम आदमी पार्टी वल्लों पंचायत आमदन च 30% सरकारी कटौती का फैसला वापस लैण दी सरकार तों कीती मंग। फिलहाल इस बुलेटिन च इन्ना ही। ज्यादा वड्डियां खबरां वेखण लई तुसीं देखदे रहो सच कहूं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।